अस्सलाम वालेकुम, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग, सब कुछ गुड 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 वेरी गुड। और ऑफिस से घर आ गए हैं काफ़ी मसरूफ़ दिन के बाद। काफ़ी हैक्टिक दिन था, कुछ मज़ा नहीं आया। कुछ चीज़ें निकली, कुछ चीज़ें नहीं निकली, और घर आके कुछ और चीज़ें निकालने की तैयारी हो। ये मेरा खड़ा है। सो घर आके वही घर के काम काज शुरू हो चुके हैं, तो खास चेंज आता नहीं रूटीन में जब तक बच्चे पढ़ने नहीं जाते। ये हमारी बहन खड़ी है, और क्या पका रही है? आलू कीमा। आलू कीमा पका रही है, और कुछ और भी साथ साथ पक रहा है। मेरे हाथ सामने ले आया अब्बा का सालन। तो कैसा गुजरा आपका दिन, क्या किया आपने? मुश्किल तरीन दिन गुजरा मेरा। क्यों, ऐसा क्या आपने खास किया जो आपका दिन मुश्किल तरीन गुजरा? पता ही नहीं है। जैसे आपने बच्चों को पढ़ाना, हाँ आजकल चल रहे हैं बच्चों के एग्जाम, तो बच्चों के जब एग्ज़ाम चलते हैं ना तो काफ़ी टायरिंग और हेक्टिक रूटीन हो जाता है, क्योंकि स्कूल से आगे इनको पढ़ाना, फिर मेरे आने के बाद जी कुछ कुछ काम करती हैं, हम मिलकर बातचीत करते हैं थोड़ी सी, जो कि आधे घंटे से ज़्यादा हो नहीं पाती, इसलिए कि नेक्स्ट डे की प्रिपरेशन होती है और फिर दूसरा दिन शुरू हो जाता है। कल मुझे एक विज़िट पर भी जाना है, तो आई नीड टू वेक अप अर्ली इन द मॉर्निंग। वैसे मैं 6 बजे उठ जाता हूँ, बट 6 बजे से पहले भी उठना पड़ेगा। नीचे तुमने प्लांट रूम ऑन किया है कश्मीर? माइक्रोवेव में से आवाज़ आ रही है। अच्छा, माइक्रोवेव से आवाज़ आ रही है जी। हाँ बोल। तो व्यूवर्स, आपके जो ये हीरो हैं ये जा रहे हैं बलूचिस्तान। सुपर मुझे कह रहे हैं हीरो जा रहे हैं बलूचिस्तान, और लड़ाई शुरू हो गई क्योंकि अली अकबर अभी पढ़ अली अकबर अब्बास पढ़ के फारिग हुए हैं, और दोनों ने लड़ना शुरू कर दिया है। मैच देख भी रहे, मैच खेल भी रहे, ये दोनों खेल रहे हैं क्रिकेट। पढ़ लिया, तैयारी हो गई? कल कौन सा पेपर है अली पर अब्बास? कल कौन सा पेपर है अब्बास? कल कौन सा पेपर है? तैयारी हो गई? और तुम्हारी? कंप्यूटर। तैयारी हो गई? आज का पेपर कैसा हुआ? आहिस्ता, ये स्टेडियम नहीं है कश्माला बेटा, काउंटर क्लीन करो। तुमने काउंटर पे क्या फेंका है? बाबा जी आपको हर चीज में खुशी होती है मेरी? Yes, yes, What are you making, बाबा? बेटा मैं दादा के लिए चिकन का सालन बना रहा हूँ, और मम्मा बता रही हैं आलू कीमा। अच्छा अभी हम मैं मदिया से भी कह रहा था कि मदिया खाना जैसा आपको पढ़ ले, तो हम वॉकर चलते हैं और गली में वॉकर कराते हैं। बच्चों ने मेरी तारीफ कर दी कि मैंने बहुत अच्छा दुकान में मटर प्लान बनाया। वो वही वाली बात ना, अपने फेवरेट है। ये देखिए मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये हमारे नेबर्स हैं, और इनके पास बिल्लियों का आप ज़रा तादाद देखें, कितनी सारी बिल्ली हैं। और ये बिल्लियों को रोज़ 2 वक्त खाना डालते हैं, बड़े हाइजेनिक तरीके से ग्लव्स व्लव्स पहन के। और ये जो बिल्ली आपको दिखा रहा हूँ ना, मैं फोकस करके, मेरे घर में सेम टू सेम ऐसी ही पर्शियन कैट थी जो मैंने 2 महीने की अडॉप्ट की थी, एंड शी लिव्ड विद 7 ईयर्स मेरे साथ। फिर उसके बाद मैंने किसी को गिफ्ट की थी, इसलिए कि मेरे बेटे क्या मेरे बेटे को एलर्जी हो गई थी। शी नहीं, इट। अच्छा इट, सॉरी। मामा बिल्ली को हाथ लगाऊं? नहीं, बिल्ली को हाथ नहीं लगाना। हेलो हेलो, चले। अब मैं तो कहती हूँ पेट को भी हाथ नहीं लगाना। देखिए हम वॉक करने उतरे थे गली में, और हमें नजर आ गया पॉपकॉर्न वाला, और ये पॉपकॉर्न वाला एक बच्चा है। हाँ बच्चे, कैसे हो तुम? ठीक हो? है, क्या नाम है तुम्हारा? शहजाद। शहजाद तुम कितने बड़े हो? 12 साल का। 12 साल की हो? अच्छा, तुम कब से पॉपकॉर्न बेच रहे हो? तकरीबन दो ढाई साल हो गए। दो ढाई साल से पॉपकॉर्न बेच रहे हो। तुम्हारे घर में कौन कौन है? अम्मी है, अबू है, दो भाई हैं। तुम बड़े भाई हो?
अबू क्या करते हैं? अबू गांव में खेती खेती करते हैं। तुम शहर में अकेले रहते हो? कराची में और कोई नहीं रहता? चाचू है भाई, चाचू है कज़ाना। तो ये तुम्हारा अपना ठेला है? तुम यहाँ से कितना कमा लेते हो रोज़ के पॉपकॉर्न बेच के? कितने? 200-300 रोज़ कमा लेते हो, लेकिन तुम्हारा अपना ठेला है, तुम्हें उसको किराया नहीं देना होता होगा ना, तो तुम्हें कुछ फ़ायदा होता है इसको बेचने से? बच जाता है, महीने का बचा लेते हैं। तो घर भेजते हो अम्मा अब्बा को? यहाँ भी खर्च करना पड़ता होगा। पढ़ते हो जी? क्या पढ़ते हो? पढ़ते नहीं, पहले गांव में पढ़ता था 5 साल, फिर इतना महंगाई का दौर हो गया, फिर फ्रेंड पढ़ना छोड़ दिया। अच्छा, तुम्हें अगर कुछ किताबें दें तो तुम पढ़ लोगे? अच्छा, तो मैं तुम्हारी किताबें देखता हूँ, घर में रखी हूँ, तुम्हें किताबें देता हूँ, फिर तुम पढ़ना। तुम रोज़ यहीं साइड टाउन में रहते हो, कहीं दूर से आते हो? जी। चलो ठीक है, देख लेते वॉक करने, और वॉक कर रहे हैं हम खड़े होकर ही, देखने जरा। अच्छा, बेगम का मिजाज ख़राब हो गया है, और जो कि हर 10 मिनट बाद हो जाता है, इसमें कोई नई बात नहीं है, आप इस बात से ज़्यादा परेशान ना हो। और अगर आप इनकी थोड़ी देर पहले की एक्सप्रेशन सुन लेते ना, तो आपको पता चलता कि पर्दे के पीछे कुछ और है और पर्दे के बाहर कुछ और। अच्छा, मैं आपको आसान एक रास्ता बताता हूँ। ये क्या लेकर आ गए मेरे बच्चे? फ़ोन? तो मेरा फ़ोन मुझे देने के लिए नीचे गली में आ गए? बहुत ही स्टूपिड इंसान। गुस्सा करते ना आप? हाँ, ये देखो क्या करते हैं आप, गुस्सा। चलो ठीक है, चलो जाओ। अच्छा, मैं आपको बताता हूँ एक आसान तरीका खुशगवार ज़िंदगी गुजारने का, भले आपकी शादी कैसे भी खवातीन से हो जाए, या खातून से हो जाए, या खवातीन से हो जाए, एक से ज़्यादा ऑप्शन होते हैं आपके पास। तो आप करें ये कि आप ना उनकी हर बात को बराबर से अहमियत देते रहें, आप उनको बताएं कि यस दिस इज़ वेरी गुड, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, सुने आप सबकी, करें अपनी। नहीं, मैं वैसे अपनी बीवी को, मेरी जब शादी हुई थी तो शी वॉज़ वेरी यंग, तो मैंने काफ़ी, नहीं लगता नहीं देख के, मुझे देख के नहीं लगता लोगों को, तो मैंने इनको कॉन्फिडेंस दिया, मैंने उनको कहा भाई आप कॉन्फिडेंस आना चाहिए, एंड आप ऐसे ज़िंदगी गुजारने की कोशिश करें जैसे आपने एक इंडिपेंडेंट का ज़िंदगी गुजारनी है, इसलिए पता नहीं किसकी कंपेनियनशिप कितनी हो। और जो खवातीन बिल्कुल डिपेंडेंट होती है ना, घर में रहने वाली होती हैं, बिल्कुल घर में रह रही होती हैं, उनको बाहर का नहीं पता होता, तो जब उन पर कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी पड़े तो उसको उनको बहुत मुश्किल हो जाती है। ये देखिए, मैं कमरे में आया तो मुझे एक बच्ची नज़र आई जो बिल्कुल छुप के मोबाइल इस्तेमाल कर रही ताकि उसे बाजी ना देख सके, उसके हाथ में बाजी का फ़ोन है। क्या हो रहा है? व्हाट हैपन, व्हाट्स हैपनिंग? सो व्हाट यू आर आस्किंग मी? यू चॉकलेट। बेड टाइम हो गया जानू, गोइंग टू बेड। स्टूडेंट, व्हाट यू आर आस्किंग? आई एम गोइंग फॉर माय ऑफिस वर्क। वेयर आई एम डूइंग जॉब? सम फील्ड वर्क। फील्ड वर्क इज टू गो एंड टू चेक द साइट। व्हाट एल्स? डू यू नो वेयर आई एम गोइंग? यस, एंड वेयर इट इज? Where it is? Is it in Balochistan? Okay, very nice. Very nice. It's in Sindh. No, it's a separate province, adjacent to Sindh. Okay, so go to bed. Sweet dreams. Bye bye. ये देखे, ये है डिनर टेबल, और ये है मेरे चार बच्चे, चार कहानियाँ, जिसमें से अली बर आप क्या खा रहे हैं? मटर पुलाव कीमा। मटर पुलाव कीमा, क्योंकि इन्हें खाने होते हैं चावल। ये मेरी बेटी है, उसने खाना था स्पेगेटी, तो स्पेगेटी में मैंने कीमा डाला आलू कीमे का, और वो उसको बना के दे दिए। ये आ गई मेरी भूतनाथ। और आप क्या खा रहे हैं मेरे उर्दू मीडियम? मैं खा रहा हूँ कीमा। अच्छा, मुझे एक रिडल बतानी है। हाँ। Why don't you give Elsa balloon? कैसा है आलू कीमा? कैसा है स्पेगेटी रफिया? Why were the balloons silent for me? I don't have no idea. And what they are fast food. This is my riddle. Very good. बहुत तवील बहस के बाद बेगम ने कहा कि आप नमाज़ पढ़ लें। मैं कह नहीं, मैं नमाज़ नहीं पढ़ रहा, मुझे बहुत सारे काम करने, उसके बाद नमाज़ पढ़ूंगा। और ये मुझसे हमेशा कहती है कि आप नमाज़ बहुत लेट कर देते हैं, हालांकि नमाज तो वैसे मतलब पढ़नी चाहिए। सो आप बहुत इत्मीनान से वो हैं। बेटा लाइट्स ऑन करें एक बार, तो ठीक है। अच्छा, मैं आपको एक इंटरेस्टिंग बात बताता हूँ। देखें, ज़िंदगी आसान और पुरसकून गुजारने का तरीका ये है कि इन एनी रिलेशनशिप गिव स्पेस टू अदर्स। इधर नहीं, पैर नीचे करो। ओके, सॉरी,
अच्छा अपना शिफ्ट पढ़ी है आप, अगर हस्बैंड वाइफ भी हैं तो देयर शुड बी एन एलिमेंट ऑफ प्राइवेसी, उनकी पर्सनल लाइफ हो सकती है। अगर आप हर मामले में इंटरवीन करेंगे और हर मामले में इन्वेस्टिगेशन की ज़रूरत महसूस करेंगे तो दोनों लोगों के लिए ब्रीथिंग स्पेस बहुत ज़रूरी होता है। सो फॉर अ गुड मैरिड लाइफ या फॉर एनी गुड रिलेशनशिप यू नीड टू गिव स्पेस टू अदर, सो ट्राई टू इम्प्लीमेंट इट इन योर लाइफ एंड आई थिंक आपकी ज़िंदगी में बड़ा चेंज आ सकेगा। एंड ट्राई टू गिव इक्वल इंपॉर्टेंस टू दी अदर फैमिली, मतलब अपने इन लॉज को आप वही इंपॉर्टेंस और वही रिस्पेक्ट दें जो अपनी वाइफ से एक्सपेक्ट करते हैं कि वो आपकी फैमिली को दे। तो यू नीड टू गिव फॉर टेकिंग समथिंग। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।